अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो भाई, पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद। कल का मैच आपने देखा ही होगा, तो कल का मैच का मुझे एक तरह का कह सकते हो ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखें, वैसे आप लोग ही मैं पूछना चाहूँगा, क्या राय है इस बारे में कि कल का मैच ये लोग जान के हारे, या क्या नाम है, बाकी में उन्होंने की बॉलिंग अच्छी थी या हमारी बैटिंग गंदी थी? ये तीन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कल का जो मैच हुआ, पाकिस्तान का जो था तो वनडे मैच, लेकिन 2 दिन में किया है, 2 दिन के वनडे मैच हम लोगों ने खेले हैं आप लोगों के सामने, कभी बारिश की नज़र, कभी कुछ तो कभी कुछ, और हमारी बैड लक तो चेक करो कि मतलब हमारे टाइम से देखने बारिश हुई और उन्होंने दस्ती दस्ती काम लपेटा कि जल्दी से मैच शुरू करो दोबारा, कि एटलीस्ट 20 आवर्स अब तक मैच और हो चुका हो, कि जब तक क्या नाम बारिश फ़ौरन साइड पे काम तमाम, टाटा बाय बाय वाला हिसाब किताब हमारे साथ हुआ। तो ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए वैसे, खैर कभी भी, ठीक है, स्पोर्ट्स है, चलता है सारा कुछ, लेकिन जहाँ तक मैं मैच को ऑब्जर्व किया है, वो ऐसा लगा है कि जैसे उन्होंने मैच खुद दिया है, मतलब एक होता है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी खेल में, तो हैरत हुई है कि वो इतनी आसानी से मैच दे नहीं सके, तो वो भी आप के जब आपको पता है कि आपने 158 वाला है जो इतने मार्जिन से आपने जीता हुआ है, तो ये तो उससे ज़्यादा मार्जिन बन जाएगा ना अगर आप हारते इतनी कम स्कोर पे जो उन्होंने कल कर दिया, तो ऐसा लगे जैसे वो जीतना ही नहीं चाह रहे थे पाकिस्तानी, कि मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता ना, आप सारी बॉल अगर आपने हिट करना है, आपने मैच जीतना है ना, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है कि आप हाथ खोल के खेलते हो प्रॉपर शॉट्स, आप ये टिप टिप वाली नहीं करते, बॉल बीट्स नहीं करते, मतलब उन हमारा ऑलमोस्ट हर प्लेयर है ना आगे, मतलब बीट ज़्यादा की, मतलब बॉल ऐसे ऐसे, ये वाली बॉडी लैंग्वेज से आप कभी भी मैच जीत नहीं सकते हो। और शादाब साहब पे तो मुझे पहले ही डाउट्स हो रहे थे काफ़ी टाइम पिछले मैच से, तो उसने तो कल कैच भी छोड़ दिया विराट कोहली का एक, और उसके बाद उसकी आप बॉलिंग आप देख सकते हैं, तो फील्डिंग के लिहाज से नो डाउट है, अच्छा ठीक है, कैच छोड़ गया वो छोड़ जाते थे, वो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बॉलिंग के लिहाज से ना वो चीज़ नहीं रहेगी, वो बाय चांस वो कैच मिल जाए तो मिल जाए और विकेट निकल जाती है, लेकिन वो आप जो डायरेक्ट आप विकेट अगर आप लेते हो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, पता चलता है बॉलिंग की आपके पास क्या स्किल्स है, आप क्या मूव दे रहे हो, आप क्या स्विंग दे रहे हो, क्या स्पिन दे रहे हो आप, तो वो डिपेंड करता है, और मैच में हमारे स्कोर ज़्यादा पड़ना शुरू होता है, इंजरी शुरू हो जाती हैं, बल्कि अच्छी बात है अगर रेस्ट पर मिल गई, क्योंकि हमारे प्लेयर को रेस्ट कहाँ मिल रहा है, तो मतलब हॉस्ट टीम हम लोग हैं और हमें इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, मेंटली बंदा सिक हो चुका होता है आधे से ज़्यादा, कि इतनी ट्रैवलिंग और प्रैक्टिस और सारा मामला चलते होते हैं, ठीक है। अभी जो चीज़ हुई है ना, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ ना, जो उनकी हरकत की वजह से सारे इनको रेस्टलेस हुए हैं हमारी टीम, तो उनको इस चीज़ का खमियाजा जो होता है वर्ल्ड वो भुगतना पड़े किसी ना किसी तरीके से ना, इसी टूर्नामेंट में कि आउट हो जाए या जो भी हो जाए, दुआ भी है कि क्या नाम है, अब बंगला श्रीलंका क्या नाम है अगला मैच जीते, और मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि ये लोग बांग्लादेश के साथ मेरा मैच है इनका, तो वो ये हार्ड मज़ा आ जाए, और हम कोशिश है कि अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, मे बी श्रीलंका के साथ कि अच्छे मार्जिन से जीतने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान, तो वो कोशिश है कि ये अच्छा जीत जाए, अच्छे मार्जिन से जीत जाए। बाकी मैच आपने देखा है, 2 दिन में गया है, बारिश हुई है, बारिश रुकी है, पहले दिन मैच ख़त्म कर दिया गया, अगले दिन पूरे ओवर्स का मैच रहा, कुछ ऐसा भी लगता है जैसे कि ना काफ़ी कुछ ना लक भी और पिच भी और काफ़ी उनकी फेवर भी रही है, मतलब कभी हमारे आप देख लेंगे वो उनके खेलते वक्त वही पिच बैटिंग पिच थी, मतलब वो बैटिंग आराम से कर रहे थे, फ्लैट पिच कर दोगे वो आराम से हमें ठीक छक्के चौके चल रहे थे, जहाँ हमारी वही पिच बॉलिंग पिच बन गई, लॉजिक समझ में नहीं आती कि या तो कल हमारी लक नहीं थी या हम जीतना नहीं चाह रहे थे या क्या बेहतर, तो पता नहीं क्या क्या कह सकते इस बारे में, तो मैच का मज़ा नहीं है, पिछला मैच का भी मज़ा नहीं है, ये पहली दफ़ा हुआ है टूर्नामेंट में जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने का मज़ा ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं बना, देखा था ना इंटरेस्ट बनना कि पाकिस्तान, अब लिटरली अब तो वर्ल्ड कप भी देखने का दिल कर रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, अच्छा जो ठीक है जो जीत गया तो जीत गया, मतलब वो अलग आपको इंटरेस्ट, एक होता है ना क्रेज़ जो हमारे बचपन से हमें लोगों को क्रेज़ रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने का, वो इन दो मैचेस ने ना ऐसा कर दिया जैसे ना, क्योंकि उनकी बहुत ना डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से ना ये मैचेस को इस तरीके से ना पानी की नज़र कर दिया, बारिश की नज़र कर दी है सारे 2-3 मैच फजूल के, तो और दोनों मेन मैचेस, मतलब ठीक है बकाया भी मेन मैचेस ही हैं टूर्नामेंट के हिस्से ही हैं,
लेकिन ज्यादा क्रेज पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया की हर हमेशा से ही रहती है, जो मर्जी कर लो आप, कितनी मर्जी बड़ी टीम लिया हो आप, जहाँ पाकिस्तान इंडिया का शुरू होगा ना मैच, वहाँ पे आधी से ज्यादा दुनिया ना पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर कहेगी, प्रेफर करेगी पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना। तो हार जीत चलती रहती है, कोई मसला नहीं। अभी दो तीन प्लेयर हैं मेरी नज़र में खटक रहे हैं कि या तो रेस्ट देते हैं या थोड़ी देर के लिए उनको डोमेस्टिक खिला लें या कुछ भी, जैसे कि इमाम उल हक ठीक है, वो दो मैचेस तीन मैचेस में चला गया, लेकिन उसके ना वो वाली हिटिंग नहीं है, वो टेस्ट प्लेयर है, वनडे प्लेयर वो ठीक है, विकेट थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं लेकिन उसके बाद आउट हो जाता है फ़ौरन से पहले ही, किसी में आदमी चल जाता है। तो ये अगर वो पर्ची वाला है, मैं पर्ची वाला सीन तो नहीं कहूँगा, ठीक है अभी अपने स्किल्स भी आगे आता है तो वो स्किल्स भी आगे आया, लेकिन अभी ना वो नहीं बन पा रहा, वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन पा रहा। कल फखर का इवन वो बिग मैच का प्लेयर है, ठीक है, लेकिन अब हर मैच में हम इसी लिहाज से तो नहीं चल सक रहे, इस माइंड सेट से तो नहीं चल सक रहे कि बिग मैच का प्लेयर तो चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, कितने मौके दे दे इस बात के, तो उसको रेस्ट दे रहे हैं अभी, मतलब कि एक दो मैचेस ना, अभी अगले दो मैचेस हैं, अगर अगला फाइनल हम में चले जाते हैं हमारे इंडिया के साथ पड़ता है तो उसमें उसको रेस्ट दे रहे हैं, उसको ना खिलाएं। सलमान आगा की नहीं जगह बन रही, अभी सलमान आगा को नहीं खिला रहे, पिछले 6-7 मैचेस उसको ही तो दिए जा रहे हैं, हारिस को भी लेके गए थे, ताहिर को भी लेके गए, हम दोनों को मौका नहीं दे रहे, पता नहीं समझ नहीं आ रही कि उनको मौका नहीं दे रहे, उनको मौका दें ताकि वो आगे तो थोड़ा सा परफॉर्म करने की तो कोशिश करेंगे, बड़ी टीम के साथ वो सामने क्या पता अच्छा परफॉर्म कर दें, किसी ने खेला किसी को उन्होंने बॉलिंग तो नहीं कराएगी ना, तो उससे वो टोटली आउट ऑफ द सिलेबस एक तरह के कहते हो होंगे, तो उनको मौका दे दें, उनको पता नहीं ये नहीं मौका दे रहे लोग। शाहनवाज दहानी के को अभी इन्होंने बुलाया क्योंकि उनको मेरा ख्याल प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिहाज से ना रेस्ट दिया है हारिस रऊफ को और नसीम शाह को, तो नसीम शाह को क्या कहना, तो अभी उनकी जगह शाहनवाज हानी को बुला लिया, और एक और क्या नाम है उसका, जमान खान को, जमान खान चला एक अच्छा ऑप्शन है, वो अच्छी बात है, उसको जल्द से उन्होंने फ़ौरन से पहले बुलाया, तो उसकी जगह एक और प्लेयर था उसको बुला लेते हैं ये लोग, हसन अली को बल्कि पहले बुला लेते, ज़्यादा बेहतर था अगर इन्होंने शाहनवाज हानी को भी बुला रहे हैं तो उससे बेहतर हसन अली को बुला ले, हसन अली क्या पता अच्छा परफॉर्म करते हैं ये अगले मैचेस में। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिनको ये लोग ना खिलाड़ी ने, कैप्टेंसी बहुत ठीक है, अच्छी बात है, सही चल रही है, कोई मसला नहीं है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं टीम में, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है अपनी टीम के बारे में, जैसे कोई मसला नहीं, अगले 22 मैचेस में 19 मैचेस भी जिताए हैं ना उन्होंने, तो अगर एक दो मैच हार गए कोई मसला नहीं है, ठीक है बस खेलते परफॉर्म होते, कभी नहीं होता, कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी, वो कहावत बनी है ना, ठीक है बस चलता है होता है, चलता है दुनिया है तो चल रहा है बस, तो कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस करती है लेकिन एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, एक्सपेरिमेंट मतलब कि दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए, आपने सारे मैच में एक सी ही टीम खिला दी है, शादाब नहीं बस शादाब की बॉलिंग के लिए आते नहीं, फील्डिंग कह सकते हो ठीक है, बैटिंग भी अब उसकी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ फील्डिंग के बारे में कह सकते हो वो ठीक है अच्छा फील्डर है, लेकिन अभी उसकी जगह नहीं बन पा रही है टीम में, अभी फिलहाल नहीं बन पा रही, उसको डोमेस्टिक खिला लें थोड़ा सा, उसको ग्रूम करें दोबारा, अगर दोबारा लाने तो थोड़ा दोबारा ग्रूम करें, ये नहीं है कि अगर कोई पहला खेल रहा है तो उसको बस खिलाते जाओ, तो नयों को मौका ही नहीं देना चाहिए, हाँ इसको जगह दे, तैयब तो ताहिर को जगह दे, वो एक और लड़का था उसको लेके गए या नहीं लेके गए, ओपनर है वो लाहौर कलंदर का, नाम अभी उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उसको खिलाए ओपनर पे, ठीक है अभी इनको रेस्ट दें, और रिजवान की जगह नहीं बन रही 4 डाउन, उसको 3 डाउन आएगा तो उसको नहीं बन रही उसकी जगह, उसकी जगह ओपनर ही है रिजवान की, रिजवान को ओपनर ही रखें, फ़ख्र के सिवा दोनों लेफ्टी को क्यों खिला रहे, एक राइट एक लेफ्ट रखे, कॉम्बिनेशन से चले ना, थोड़ा इस तरीके से रखें बीच में, ठीक है इमाम को अभी अगले टूर्नामेंट का मुझे नहीं बन लगता कि हिस्सा होना चाहिए, बाकी आप लोग जैसे बेहतर रहे, और अगर आप ठीक है पाकिस्तान के साथ हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, हार हो या जीत हो, हमें तुमसे प्यार है, चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।